काम छोड़ भागा ठेकेदार, फंसे वन विभाग के कर्मचारी और स्कूली बच्चे। शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन क्षेत्र की दुर्दशा अब प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जयंती कुंज और केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र अथवा सिविल लाइन का आवासीय क्षेत्र, दोनों इलाकों में रहने वाले और आने जाने वाले खासा परेशान हैं। अब हालात यह है कि ठेकेदार भी काम छोड़कर भाग गया है। जी हाँ, सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत गुप्ता पेट्रोल पंप के बगल से जो मार्ग केंद्रीय विद्यालय तक जाता है वह पिछले दो हफ्ते से बंद कर दिया गया है। कारण, मार्ग के नए निर्माण के साथ नाली का भी निर्माण होना है। इसी प्रकार सेंट्रल एकेडमी के सामने से एग्रीकल्चर ऑफिस और फॉरेस्ट रेंज ऑफिस तक RCC सड़क बननी है। यह दोनों कार्य एक ठेकेदार को दिया गया है। पूरी गर्मी बीत गई और ठेकेदार ने टेंडर अलाट होने के बाद भी काम नहीं शुरू किया। जून के अंतिम दिनों में काम शुरू करने के साथ पूरी मिट्टी मुख्य मार्ग में फिकवा दी। उसने यह भी नहीं सोचा कि लोग निकलेंगे कैसे। रेंज ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस, DFO, CCF कार्यालयों के सैकड़ों कर्मचारियों के अलावा 3000 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का आना जाना होता है। वर्तमान में आने जाने वाला हर शख्स पहले तो कीचड़ से सराबोर हो जाता है, उसके बाद वह अपने स्थान पर पहुँचता है। वहीं आवासीय सिविल क्षेत्र में पाणसागर परियोजना के AC के बंगले के सामने गड्ढे में कई वाहन फंस गए। वहीं मार्ग में फैला कीचड़ यह एहसास करा रहा है कि यह सिविल लाइन क्षेत्र नहीं बल्कि कोई स्लम एरिए में घुस रहे हैं। जब सिविल लाइन क्षेत्र की यह दुर्दशा हो तो बाकी इलाकों के बारे में कल्पना ही क्या की जा सकती है। क्या नाम है आपकी, क्या समस्या है? मैं रितेश मिश्रा, वन विभाग से। यहाँ ये समस्या है कि मतलब जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, तो मुश्किल से 15 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा बात किया जाता है तो बोलता है कि मेरे द्वारा रोड खुदाई काम मेरा हो गया, मैं इसके अलावा कोई रोड नहीं बन पाऊँगा ना, मेरा ये काम है। PWD है, मंत्री जी से जाके बात करो। मैंने पूरा पैसा पूरा इधर उधर कर दिया है, मेरे पास कोई बजट नहीं है, मैं न बन पाऊँगा। मेरे पैर देखिए, मैं कितने ऊपर करके आ रहा हूँ इस कीचड़ से। एक बार ऑफिस आने जाने में बहुत गिल लगती है। साइकिल से कैसे जाओगे स्कूल? सर जाते हैं लेकिन कपड़ा गंदा हो जाता है, यूनिफॉर्म ये शूज बेकार हो गया। कितनी परेशानी हो जाते हैं? हमारा भतीजा उसको छोड़ने जाते हैं, दीदा सिकून के जाते हैं। कितनी परेशानी हो रही तुमको? सुबह आज छोड़ने गए तो घूम गए तो पूरा पानी गिर रहा था, तो दीदा से रोड साफ हो रही थी, बाद में जल्दी पहुँच जाती है।